हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का लास्ट सेक्शन, दैट इज अचीवर्स सेक्शन। ओके, तो इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो बार ग्राफ दिया है ये शो कर रहा है 2 स्टूडेंट्स ए और बी के मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी के मार्क्स। ओके, सो पहले हम मार्क्स लिख लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चंस के आंसर करना इजी रहेगा। ए के मार्क्स हैं मैथ्स में 75 एंड बी के हैं 65। देन ए के मार्क्स साइंस में हैं 70 एंड बी के मार्क्स हैं 85। नाउ इंग्लिश में ए के मार्क्स हैं 60 एंड बी के मार्क्स हैं 55। देन हिंदी में ए के मार्क्स हैं 90 एंड बी के मार्क्स हैं 65। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज How many more marks scored by A than B in all the subjects together? सारे subjects मिलाकर किसके ज़्यादा marks हैं, A के ज़्यादा marks हैं, कितने ज़्यादा marks हैं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें A और B के all the subjects, सभी subjects के marks को add करना पड़ेगा। उसके बाद उन दोनों का difference हम find out करेंगे कि ए के बी से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम मार्क्स को ऐड कर लेते हैं। ए के मार्क्स हैं 75 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 295। बी के मार्क्स हैं 65 प्लस 85 प्लस 55 प्लस 65 इज इक्वल टू 270। तो ए के मार्क्स हैं 295, बी के मार्क्स हैं 270। तो डिफरेंस कितना है, 295 माइनस 270 इज इक्वल टू 25। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन साइंस एंड हिंदी टुगेदर to the marks scored by B in English and maths together। अब हमें fraction find out करना है A के science और हिंदी के marks का, B के English और maths के marks का मिलाकर। तो पहले हम A के science और हिंदी के marks लिखते हैं। A के science में हैं 70 marks, हिंदी में हैं 90 marks is equal to 160 and B के इंग्लिश के मार्क्स हैं 55 एंड मैथ्स के मार्क्स हैं 65, टोटल है 120। अब इनका फ्रैक्शन क्या होगा, 160 बाय 120, इसको रिड्यूस करेंगे तो 4 एंड 3 इज इक्वल टू 4 बाय 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 25, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 4 बाय 3। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए में 53/4, बी में 25/4/3। ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनको पढ़ के उसके बाद हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट वन इज The value of 672.734 minus 347.487 when rounded off to the nearest hundred gives 325.25. It means कि इस नंबर में से इसको माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
5.247। इसको अगर हम अब नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे, यानी नियरेस्ट 100 ये इस तक राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 7 है, ये राउंड अप हो जाएगा और 325.25 हो जाएगा। इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट टू, द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस इज लेस देन 90। यानी इन दोनों को प्लस करके अगर हम 13.23 उसमें से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो 90 से कम होगा। तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 102.65। इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 89.42। तो क्या ये 90 से कम है? यस। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सम सिमिलर स्क्वायर शेप्स आर केप्ट एज शोन इन द फिगर। इफ द पैरीमीटर ऑफ द होल फिगर इज 308 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। एक ये फिगर हमें दी हुई है, ओके इसका पैरीमीटर हमें बताया है। पैरीमीटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइड्स। सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, केवल पैरीमीटर बताया है एंड नंबर ऑफ स्क्वायर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 स्क्वायर्स हैं एंड पैरीमीटर इज 308 सेंटीमीटर। ओके सो पैरीमीटर गिवन है हमें 308 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू, एक बार हम स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. सो पैरीमीटर ऑफ फिगर इज 21 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफोर एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 21 इंटू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 4116 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, fill in the blanks and select the correct option. Least common multiple of 24 and 45 is 24 and 45 का least common multiple क्या होगा, पहले तो हमें ये find out करना है। So हम सारे factors लिख लेंगे, 24, 2 into 2 into 2 into 3 and 45 is equal to 3 into 3 into 5. Now LCM is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 is equal to 360. So the value of P is 360. Now second is the value of this minus this. अब पहले हम इनकी value find out करते हैं क्या होगी। XC इज इक्वल टू 1000 प्लस 10 माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 100 माइनस 10 प्लस 8। सो 1000 प्लस 100 माइनस 10 90
प्लस 8 इज इक्वल टू 1098 एंड सेकेंड इज सी डी एक्स एल आई एक्स सो 500 माइनस 100 प्लस 50 माइनस 10 प्लस 9 सो 400 प्लस 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 449 Now Q is equal to this minus this 1098 minus 449 is equal to 649. So Q is equal to 649. Second answer aaya. Now dash must be added in this to get 1,000,000. कौन सा number है जिसको हम इसमें add करेंगे तो 1,000,000 आएगा. उसके लिए 1,000,000 में से इस number को माइनस कर देंगे. 1,000,000 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 534107. ओके सो आर की वैल्यू ये हुई, क्यू की वैल्यू हुई 649 एंड पी की वैल्यू हुई 360. अब हमें देखना है ये तीनों वैल्यूज़ कौन से ऑप्शन में हैं. 360 एंड 649 एंड दिस. ओके सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. ऑप्शन डी में तीनों वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी फाइंड आउट की हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 50. इफ़ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 2 मैंगोज एंड 3 मैंगोज आर इज इक्वल टू 675 ग्राम्स देन फाइंड द वेट ऑफ 1 ऑरेंज. एक ऑरेंज का वेट हमें फाइंड आउट करना है. हिंट हमें दी हुई है 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 2 मैंगोज एंड 3 मैंगोज इज इक्वल टू 675 ग्राम्स. तो जो चीज़ें हमें दी हैं उनको यूज़ करके हम एक ऑरेंज की का वेट फाइंड आउट करेंगे. गिवन है वेट ऑफ 3 मैंगोज इज इक्वल टू 675 ग्राम्स. देयरफॉर वेट ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू 675 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 225 ग्राम्स. ओके ये मैंगो की वैल्यू वेट पता चल गया हमें. नाउ सेकंड थिंग इज गिवन वेट ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैंगोज. इट मीन्स 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इन 25 ग्राम्स और 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 450 ग्राम्स. थ्री मैंगोज आते हैं ना. वेट ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू वेट ऑफ 2 मैंगोज. हियर इट इज गिवन इन द पिक्चर. ओके सो 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 2 इंटू 225 ग्राम्स. 1 मैंगो का वेट हमने यहाँ फाइंड आउट किया था. सो 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 450 ग्राम्स एंड 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 450 बाय 5 एंड 1 ऑरेंज का वेट आ जाएगा 90 ग्राम्स. ओके सो द आंसर इज ऑप्शन डी. सो आज हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं. आई होप आपको इन क्वेश्चंस की जो भी मैंने सॉल्यूशंस किए हैं उसको उससे आपको हेल्प मिले अपने एग्ज़ाम के लिए. आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए. ऑल द बेस्ट. Take care. Bye-bye.